नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि हम ये जो टोनर है CCC388A इसको कैसे रिफ़िल करते हैं। तो सभी ने ध्यान से देखना है, इसको अब हमने खोलना है और इसको रिफ़िल करना है। इसमें कैसे इंक डालते हैं सभी ने ध्यान से देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम खोलेंगे, इसके जो साइड में नेट होते हैं इनको खोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो नेट है, आपने इसको खोलना है। दूसरी तरफ भी नेट होता है, उसको भी खोलते हैं। और अब इसको बाहर निकालेंगे। फिर इसका एक लॉक होता है, लॉक। और फिर इसको खोलेंगे, लॉक होता है इसका। इसके जो लॉक होते हैं इसको खोलना भी, हाँ, इसको ऐसे निकालेंगे। इसको थोड़ा पीछे खींचते हैं एक तरफ से तो ये बाहर आ जाता है। ये ड्रम है, तो अब हमने ड्रम को निकाल दिया है। इसको भी आराम से निकालना है, ये ना टूट ना जाए। और ये है पीसीआर जो देखा आपने, ये पीसीआर होता है इसका। इसको भी आराम से साफ़ करना होता है, इसको साफ कपड़े से साफ करते हैं। इसके बाद आपने ड्रम को साफ़ करना है, और अब आपने इसको साफ़ करना है। ये ब्लेड है जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जो इंक है इसको साफ़ करना है, और जो इसके अंदर की इंक है वो बाहर निकालनी है। ये बेस्ट इंक होती है, इसको भी आराम से करना है। जब तक पूरी इंक ना निकले तब तक इसको, जैसे अब ये निकल गई है, इसके बाद आपने इसमें इंक डालनी है। तो इसको अब हम खोलेंगे, ये ब्लेड के ऊपर नेट है, इनको खोलते हैं। ये जो आपको लोहे का दिख रहा है ये ब्लेड होता है। जब अगर आपके प्रिंटर में लाइनिंग आ रही है और एक तरफ से काला दिख रहा है तो ब्लेड की प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को अपने ध्यान से देखना है, तो आपका ब्लेड चेंज हो जाए। ब्लेड जो होता है 200-300 रुपए का पड़ता है। तो इसको साफ करना है, इसके बाद इसको करना है, और इसमें इंक डालनी है। ये दूसरा जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर इंक डालते हैं, और इसके अंदर बेस्ट आती है जो हमने अभी साफ किया है। तो ये इसका ढक्कन होता है, इसको हमने साफ करके रख दिया है। और इसको अब हमने ब्लेड को फिर से लगाना है, जैसे खोला था वैसे ही इसको फिट करते हैं। दवाई दे दो। अब इसके नेट लगाएंगे। तो दोस्तों आज आप सीख रहे हैं कि हम कैसे एक टोनर कार्ट्रिज को रिफ़िल करते हैं, और कैसे इसके अंदर इंक डालते हैं, और किस किस चीज़ को साफ़ करते हैं। तो इसके नेट लगा दिए हैं। तो ये हमने नेट कस दिए इसके, इसके बाद इसको हम पीसीआर लगाएंगे। पीसीआर जब फिट होता है तो टिक की आवाज़ आती है। इसके बाद ड्रम लगाएंगे, ये ड्रम है। तो दोस्तों ये तो था हमारा ड्रम का ऑप्शन, इसको हमने फिट कर दिया है। इसके बाद ये है जिसके अंदर हमने इंक डालनी है। तो अब इस नेट को हमने खोलना है, इस साइड में नेट होता है। इसको खोलने के बाद यहाँ पर एक ढक्कन होता है, इसके अंदर इंक डालते हैं हम।
इसको आपने खोलना है। इन चीज़ों को आपने संभाल कर रखना है क्योंकि इसके अंदर नेट और ये स्प्रिंग होते हैं, इसको ध्यान से खोलते हैं। और ये हमने खोला है, मैग्नेट, ये मैग्नेट होता है आप देख सकते हैं, जो हमारी इंक को आगे पीछे करता है। जब इसमें इंक आती है तो तभी पता चलता है कि हमारा जो टोनर है काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसको हम मैग्नेट को साफ़ करते हैं। अब हम इंक को डालेंगे, इंक का जो डब्बा है इसको पूरा इसमें डाल देते हैं। तो पहले तो इंक को हम हिलाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इसके लिए कीप या आप कागज़ के द्वारा डाल सकते हैं कि आपकी इंक बाहर ना गिरे। आप इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे इंक जा सकती है आराम से। और इसको आप सीधा करना है, या तो आप इधर से भी डाल सकते हैं या उधर, दोनों तरफ से डल जाती है इंक। तो ये देख सकते हैं कैसे डल रही है। जब तक भर ना जाए तब तक आपने हटना नहीं है। तो दोस्तों आज आप सीख रहे हैं कि कैसे हम टोनर को रिफ़िल करते हैं और कैसे उसको साफ़ करते हैं, कैसे उसके अंदर इंक डालते हैं। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है, आप भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे जो भी मेरी वीडियो होगी लेटेस्ट सबसे पहले आपके पास आएगी। और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ ही कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे टोनर को रिफ़िल किया जाता है और कैसे उसके अंदर इंक डाली जाती है। इंक दोनों तरफ से डलती है, एक तो उधर साइड से निकलती है और एक इधर से भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बोतल ख़त्म हो गई है, इसके अंदर आप थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं, अगर इससे फुल हो जाता है तो बेटर है, अगर थोड़ी कम लग रही है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। क्योंकि कम इंक होगी तो आपके पेपर कम आएंगे और थोड़ी क्लियर नहीं आएगी, इसलिए आप इंक को प्रॉपर पूरा भरें। तो दोस्तों इंक थोड़ी कम हो गई थी इसलिए हमने दूसरा डब्बा खोला है, इससे इंक डालनी है, इससे अब ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है क्योंकि जिससे ये पूरा भर जाए। तो आप देख सकते हैं कैसे इंक भरी जा रही है, जब ये भर जाती है तो इंक आपको बाहर दिखने स्टार्ट हो जाएगी कि इतनी हो गई है, अगर कम होगी तो वो दिखेगा नहीं आपको।
तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये भर चुका है, अब इसको हम इसके ऊपर हम मैग्नेट लगाएंगे, ये भी ध्यान से फिट करते हैं इसको और फिर इसको बिठाएंगे। और फिर इसमें जो ये साइड वाला ऑप्शन है इसको लगाना है। तो ये बैठ गया है, इसके बाद हमने इसका नेट लगाना है। तो दोस्तों जो नेट है वो ध्यान से लगाएं, क्योंकि ये चीज़ें लगाने बहुत ही ज़रूरी होती हैं। नहीं तो जो इंक होती है वो बाहर आ जाती है। अब हमने लगा दिया है, अब इसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे कपड़े से और इसके बाद हम इसको फिट कर देंगे। तो ये हमारा टोनर जो है फिर रिफ़िल हो गया है। इससे आप मैग्नेट को थोड़ा चलाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो होता है इंक को बाहर फेंकता है, तो इससे पता चल जाता है कि आपकी इंक बाहर आ रही है नहीं आ रही है। अब हम ड्रम को लगाएंगे। तो ड्रम में भी ऑप्शन होता है जो आप तरीके से इसमें देख सकते हैं, जैसे हमने इसको पीछे करके किया था वैसे ही हम इसको आगे करेंगे। तो दोस्तों ये बैठ गया है। जो ये स्प्रिंग होते हैं सही से सेट करने होते हैं, नहीं तो गलत हो जाए तो ये सही प्रिंटर नहीं देते। अब इसका जो है ये कवर लगाएंगे बाहर वाला। उसके बाद हम नेट लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो है टोनर रिफिल हो गया है और पूरा पैक हो गया है। तो अब हम इसको चेक भी करेंगे। अब हम इसको प्रिंटर में लगाएंगे। तो CC388A ये कार्ट्रिज का नंबर है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कार्ट्रिज है तो आप कैसे रिफ़िल करेंगे, और अगर इस वीडियो को देखकर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।